ये हैं रतन सिंह, चमौली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के रहने वाले। ये अपने जीवन यापन के लिए मोमोज बनाते हैं और डिजिटल पेमेंट ने इनके जीवन में और इनके बिजनेस को कैसे मदद पहुंचाया, चलिए जानते हैं इनके मुंह से, इनकी जुबानी और इनकी कहानी। ये कब से ये काम कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट इनको किस प्रकार मदद कर रहा है। हाँ ठीक है, इतना फ्रेंड लेंगे। और रतन भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो? चाउमीन बना रहे हैं। अच्छा, कुछ बात है जो आपसे पूछना है। आप सुबह से उठने के बाद क्या क्या काम करते हो? वो अपने दुकान आता हूँ। हाँ, मटेरियल की तैयारी करता हूँ, मार्केट से लेके मोमो चाउमीन जो भी मटेरियल है। अच्छा, और आप मोमो जी क्यों बेचते हो? मोमो चाउमीन बेचते हैं, मोमो में फायदा है नहीं, थोड़ा सा मटेरियल कम लगता है। और थोड़ा सा तेज बोलिएगा। और भी काम कर सकते थे आप मोमोज बेचने के अलावा? ना ना, चाइनीज और इंडियन को थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मोमोज ही ज़्यादा बेचता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा। अच्छा, मोमोज में आपको ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, आप मोमोज का माल कहाँ से लाते हो मोमोज बनाने के लिए? मार्केट से लाता हूँ, दुकान सब्जी वाली दुकान से, सब्जी के लिए राशन की दुकान से, मैदा उसे परचून वाली दुकान। और आपको ये काम करने में, मोमोज बेचने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती है मेरे को केवल जैसे फोन से, तो मैंने फिर फोन ये कर ला दो मटेरियल लेने के लिए, नगद कैश चाहिए आजकल वैसे, फोन पे पर ज़्यादा वो करे। आपके पास आधार कार्ड है? जी है, आधार कार्ड। कहाँ पे बनवाया आपने इसको? गाँव में बनवाया, जैसे आधार लेने वाले आए ना, तो इसलिए गाँव में आधार कार्ड बनवाया। और ये आधार कार्ड आपको बिजनेस में हेल्प पहुंचाता है? बिजनेस में नहीं हेल्प पहुंचाया, लेकिन मैंने ट्रांसफर से पैसे निकालने हैं वो लगा के। अच्छा, मेनली पैसे वगैरह निकालने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और आपसे अगला सवाल है कि आप ये प्लास्टिक को कैसे यूज करते हो अपने बिजनेस में? प्लास्टिक तो यूज नहीं करते, लेकिन वो आता सिल्वर बॉक्स आते हैं, उसमें मोमोज और चाउमीन पैक। सिल्वर बॉक्स क्या करते हो, फेंक देते हो कहीं भी कि डस्टबिन में डाल के रखते हो? अच्छा जी, और अपना मोमोज बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, कोयला, एलपीजी गैस? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हो। और अंतिम कुछ सवाल है उसको बताइएगा। आपका नाम? रतन सिंह। ये आपका एज? कहाँ के रहने वाले हो? कितने बच्चे हैं आपके? और आपके ये मोमोज बेचने का लाइसेंस बनवाया है आपने? नहीं बनवाया। अच्छा, इसका लाइसेंस रहता तो आपको लगता है कुछ फ़ायदा होता आपको? फायदा तो होता, लेकिन बनाने का प्रोसेस बहुत उसका हार्ड है। चलिए ठीक है, लेंदी प्रोसेस है भाई। ठीक है, और आप मान ली कि आप साइकिल मोटरसाइकिल क्या चलाते हो? ज़्यादातर और आपको ये आपका बिजनेस में डेली का कितने का सेल हो जाता है मोमोज में? 2-3 हज़ार का सेल हो जाता है आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतन सिंह ने हमें आगे बताया कि कोरोना के दौरान डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने इनको कैसे हेल्प किया, क्योंकि कोरोना के दौरान इनको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने होते थे और कैश जो है इनको लेने में डर लगता था, तब ये डिजिटल पेमेंट ने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और अपने बिजनेस को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया। अब भारत के सभी स्ट्रीट वेंडर्स भी अब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं, जिससे उनको बहुत आसानी होती है। और ये थे कुछ डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के फ़ायदे, और ये हमारे कुछ डिजिटल स्ट्रीट वेंडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।